शनिवार को रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर चल रहे लक्ष्य चैंपियनशिप ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल मैच में बीएसएनएल की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेहमान टीम ने 173 रन का लक्ष्य रखा। आसान लक्ष्य का पीछा करते हुए बीएसएनएल की टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर इस मैच को अपनी मुट्ठी में कर लिया। बीएसएनएल के केटी साहू को उनकी घातक गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। उन्होंने 5 विकेट लिए। दूसरा सेमीफाइनल मैच सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के मैदान में लखनऊ और सीएजी के बीच खेला गया। सीएजी के कप्तान अभिनव बाली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। लखनऊ की टीम सीमित ओवर में 147 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। सीएजी की टीम ने 23 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर ही लक्ष्य को हासिल कर लिया और 9 विकेटों से ये जीत दर्ज हासिल कर ली। सीएजी कप्तान अभिनव बाली को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। उन्होंने 3 विकेट लेने के साथ 35 रन की भी अपनी अभूतपूर्व पारी खेली। प्रतियोगिता का फाइनल मैच 18 फरवरी को रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर बीएसएनएल और सीएजी के बीच सुबह 9 बजे खेला जाएगा। बीएसएनएल का स्कोर 101 रन 4 विकेट के नुकसान पर, सॉरी 3 विकेट के नुकसान पर। Thank you.
वो तो मैं आपसे।